हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिगो बाय लुई फिशर। सो द नेम इज लुई नॉट लुइस। हालांकि स्पेलिंग में एस बी है लेकिन वो एस साइलेंट रहता है, लुई इसे पढ़ा जाता है, लुई फिशर। और ये जो स्टोरी है इसमें लुई फिशर हमें बता रहे हैं कि गांधी जी ने कैसे उन जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, उन शेयर क्रॉपर्स को कैसे हेल्प किया, उनको सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाया, और कैसे ये सारी चीज़ हमारे इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस में इसने कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया। तो ये सारी चीज़ों को इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है। और बता रहे हैं हमें कौन, लुई फिशर, कि भाई अब इंडिया वालों को नहीं पता गांधी जी के बारे में, बताता हूँ जस्ट ऑन द लाइटर साइड। तो हुआ ये कि लुई फिशर ने एक बार गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम को विजिट किया, बात 1942 की है। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं बताता हूँ मैंने अंग्रेजों को कैसे यहाँ से भगाया। तो कहानी वो अपनी बता रहे हैं कि हुआ क्या। एक्चुअल में बात है जो दिसंबर 1916 का एनुअल कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहां पर 2301 डेलीगेट्स यानी कि इतने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, और इसके अलावा और भी कई सारे लोग आए हुए थे। और गांधी जी याद करते हुए बताते हैं कि एक किसान, एक पीजेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट ऑफ इंडिया, मतलब बहुत ही दुबला पतला, इमेसिएटेड यानी कि बहुत ही ज्यादा दुबला पतला, आया, बताया कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ। अब गांधी जी को चंपारण के बारे में नहीं पता था, नहीं सुन रखा था। उसने बताया कि भाई नेपाल के पड़ोस में है, हिमालय की तलहटी में है। ओके, अब वहां चंपारण में बात क्या थी, वहां पर एक शेयर क्रॉपिंग सिस्टम चलता था और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था और वो इससे परेशान था। ये अनपढ़ था लेकिन जिद्दी था, मतलब बिल्कुल डिटर्मिनेशन वाला था। तो अब हुआ क्या, किसी ये भी गया वहां पर कंप्लेन करने के लिए, जो शेयर क्रॉपर्स की शिकायत थी, इनजस्टिस जो हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए गया। किसी ने कहा जाओ गांधी जी से बात करो। ठीक है भाई, गांधी जी से बात कर लेंगे। पहुंच गया। अब गांधी जी ने कहा कि भाई मुझे कानपुर जाना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है CAWNPOR, तो ये कानपुर लिखा हुआ है। अब भाई लिखा अंग्रेज ने है तो अब उनका जो स्टाइल है वो ऐसे ही होता, कानपुर सिंगापुर, तो उसी तरह से ये लिखा हुआ है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मेरा एक अपॉइंटमेंट है वहां कानपुर में और मुझे और भी कई जगह जाना है। शुक्ला जी पीछे हो लिए गांधी जी के, जहां जहां गांधी जी वहां वहां शुक्ला जी। फाइनली गांधी जी अपने आश्रम नियर अहमदाबाद जब आए तो शुक्ला जी ने फिर उनसे कहा कि प्लीज फिक्स अ डेट, बहुत आपने मुझे चक्री बना दिया, बहुत घुमा लिया, अब तो डेट फिक्स कर दो। गांधी जी उसकी टेनेसिटी यानी उसकी जिद से बड़े इम्प्रेस हुए, उसकी कहानी से बड़े इम्प्रेस हुए, इन्फ्लुएंस से। उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस दिन कलकत्ता जाना है, आना मिलना और ले जाना। ठीक है भाई, शुक्ला जी पहुंच गए, इंतजार किया। गांधी जी जब फ्री हुए तो दोनों पटना की ट्रेन में बैठे और रवाना हो गए भैया। अब वहां पर थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के घर पर ये ले गए इनको। तो राजेंद्र प्रसाद उस टाइम क्या आउट ऑफ टाउन थे, उनके सर्वेंट्स शुक्ला को जानते थे कि ये एक योमन है यानी कि एक मजदूर किसान है और परेशान करता है इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने खड़ा रखा वहां पर और गांधी जी को उन्होंने कुएं से पानी भी ड्रॉ करने नहीं दिया कि कहीं कुआ भी पोल्यूट ना हो जाए, दूषित ना हो जाए। पहले वही अनटचेबिलिटी वगैरह चलता था, तो उस डर के मारे अब उन्हें क्या पता कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है। अब यहां पर हमारे लिए दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो ये है कि राजकुमार शुक्ला को इलिटरेट बट रेजोल्यूट, तो रेजोल्यूट क्यों कहा है उसे, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों कहा है, तो रीजन कि भाई जिद्दी था, जब तक गांधी जी माने नहीं तब तक पीछा छोड़ा नहीं, तो वाई है शुक्ला बीन कॉल्ड अ रेजोल्यूट पर्सन। दूसरा यहां पर बनता है हाउ वॉज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, क्या ट्रीट किया, कैसा ट्रीट किया, खड़े रखा, कुएं से पानी नहीं लेने दिया, ये सारी बातें। अब हुआ क्या कि ये गए मुजफ्फरपुर,
वो चंपारण के रास्ते में पढ़ता था कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। वहां से गांधी जी ने क्या किया, कृपलानी जो थे आर्ट्स कॉलेज के, उनको टेलीग्राम भेज दिया। दोनों जानते थे एक दूसरे को भी, टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे। अब हुआ ये कि ट्रेन पहुंची मिडनाइट को, 15 अप्रैल 1917, तो मिडनाइट को पहुंची। वही कृपलानी अपने चेले चपाटों को लेकर के पहुंच गए, और वहां पर प्रोफेसर मलकानी जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनके यहाँ 2 दिन गांधी जी ठहरे। तो भाई कृपलानी ने रिसीव किया और मलकानी ने ठहराया। तो अब गांधी जी कहते हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे भाई, क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए बनता है कि दैट व्हाई वाज इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर प्रोफेसर मलकानी टू हार्बर गांधी जी। हार्बर करना मतलब शरण देना, ठहराना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे था मलकानी के लिए? तो बात ये है कि भाई जो स्मॉलर लोकेलिटीज होती वहां लोग डरते थे। किस बात से? जो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल यानी स्वराज के जो समर्थक हैं उनको सपोर्ट देने में डरते थे। नेचुरल सी बात है, छोटी जगह, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली, प्रिजन में डाला जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। और इनके केस में, प्रोफेसर मलकानी के केस में, तो उनकी नौकरी तक जा सकती थी। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि उन्होंने इतनी रिस्क उठा करके गांधी जी को शरण दी, हेल्प किया। अब क्या हुआ, गांधी जी के एडवेंट यानी कि आगमन की खबर सब जगह फैल गई। लोग पहुंचे मिलने के लिए, और हुआ है कि जो लॉयर थे, लॉयर भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि हम इनका केस लड़ते हैं कोर्ट में और इनसे इतनी फीस लेते हैं। गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा कि इतनी फीस तुम लेते हो, बड़ी फीस वो लेते थे। उसके लिए गांधी जी ने उन्हें डांटा। उन्होंने कहा कि मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनके केस कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, इनको डर से मुक्त करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्री करना, इनको फियर से फ्री करना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वहां क्या था, जो एरेबल लैंड थी यानी कि पोरस लैंड थी, तो वो एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और जिसमें से जो मालिक थे उनके, वो मालिक होते थे ब्रिटिश, और जो काम करने वाले थे वो सारे थे इंडियन। तो एक सिस्टम वहां पर, जो हम बात कर रहे थे शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, तो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वहां पर चलता था। अब इसमें क्या होता था, जो 15% लैंड है या 3/20 पार्ट ऑफ जो लैंड है, होल्डिंग है, उस पे उनको इंडिगो ग्रो करना पड़ता था, और वो पूरी की पूरी फसल उनको सरेंडर कर देनी पड़ती थी एज रेंट। और ये काफी लंबे समय से चल रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। दूसरा, हम इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। तो ये दोनों का आंसर जो है एक ही है। अब इतने में क्या हुआ भाई, एक नई खबर, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। सबसे पहले नेचुरली लैंडलॉर्ड्स को पता चला। उन्होंने क्या किया, इन पीजन से कहा कि तुम हमें पे करो, हम तुम्हें इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से फ्री कर देते हैं। तो उन्होंने दे देयर अपॉन सॉर्ट एग्रीमेंट्स फ्रॉम द पीजन्स। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें इसके लिए पे कर दो, तुम इस सिस्टम से फ्री। अब ये जो पीजेंट्स, जो किसान थे, वो इससे परेशान थे। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा है भाई, हमें फ्री कर रहे हैं, वो एग्री हो गए। अब क्या हुआ, जो नहीं माने उन्होंने लॉयर्स अपॉइंट कर लिए, और जो लैंडलॉर्ड्स थे इन्होंने ठग्स अपॉइंट कर लिए कि भाई नहीं मान रहा तो दूसरे तरीके भी हैं। तो दैट वॉज द रीजन। अब इधर क्या हुआ, मीनवाइल वो जो सिंथेटिक इंडिगो की खबर थी वो वहां पर पहुंच गई। अब जो किसान, जब उनको पता चला, तो उन्होंने अपने पैसे की डिमांड शुरू कर दी कि भाई पैसे लाओ, तुमने हमसे चीट किया, क्योंकि उन्हें तो वैसे ही फ्री करना पड़ रहा था। तो अब क्या हुआ, ये सब वहां पर ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला चल रहा था। तभी गांधी जी ने एंट्री मारी, गांधी जी सीन में आ गए, सीधे गए भाई सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन और उनसे इंफॉर्मेशन मांगी। इन्फॉर्मेशन क्या मांगी उन्होंने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उन्होंने शुरू किया। तो वो सेक्रेटरी क्या बोलता है कि भाई तुम एक आउटसाइडर हो,
तो हम एक आउटसाइडर को इनसाइड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। भैया कमाल है, अब ये तो कमाल हो गया भाई कि एक आउटसाइडर इनसाइडर से कह रहा है कि हम एक आउटसाइडर को इनसाइड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी, लेकिन अब उनसे आर्ग्यू करने का क्या मतलब, कौन सुनने वाला था। गांधी जी आगे बढ़े। गांधी जी कहाँ पहुंचे, वहां जो चीफ कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन था वहां पहुंचे। अब ये तो भाई सेक्रेटरी से भी 4 कदम आगे। एटवंस उसने गांधी जी को बुली किया, धमकाया और कहा कि यहां से चले जाओ, छोड़ दो। लेकिन गांधी जी कौन से धमकने वाले थे। गांधी जी ने क्या किया, वो वहां से गए मोतिहारी, जो वहां की कैपिटल थी उस टाइम की, चंपारण की। तो वहां पर हुआ ये कि और भी जो लॉयर्स थे वो लोग आए वहां पर, ग्रीट किया। वहां से गांधी जी एक घर गए, उसे अपना हेडक्वार्टर्स बनाया, वहां से अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। अब हुआ ये कि वहां उनको पता चला कि पास के एक गांव में एक पीजेंट के साथ में इल ट्रीटमेंट, एक किसान के साथ में इल ट्रीटमेंट हुआ है। बस फिर क्या, गांधी जी हाथी पर सवार होकर गजराज की सवारी करते हुए निकले। रास्ते में एसपी का मैसेंजर आया, उसने ओवरटेक किया, गांधी जी से कहा कि भाई वापस हो लो। जब वापस आ गए तो वहां उसने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस पकड़ा दिया, कहा क्या कि क्विट चंपारण, जो चंपारण है उसे छोड़कर चले जाओ। गांधी जी ने वो नोट लिया और उसके पीछे लिख दिया क्या, आई विल डिसओबे द ऑर्डर, मैं ऑर्डर नहीं मानता। अब भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। फिर तो ये हुआ कि भाई ऊपर से नीचे तक सारे ऊपर नीचे हो गए। भाई डिसओबेइंग अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू लीव, ये तो सरकार की अवहेलना। अब इधर से क्या हुआ, इनविटेशन आ गया गांधी जी के लिए, आ जाओ भैया। कहाँ, कोर्ट में। हुआ ये कि अब गांधी जी ने क्या किया, फिर गांधी जी रात भर सोए नहीं। इधर से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को वही टेलीग्राम भेजा, आ जाओ भैया अपनी गैंग लेकर के, मतलब सम इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर के। आश्रम में लेटर लिखा और सारी रिपोर्ट जो है वहां के वायस रॉय को भेज दी। वायस रॉय मतलब जैसे अंग्रेजों की तरफ से जो रूल करने वाला पर्सन, हम उसके लिए टर्म होती है वायस रॉय। तो मतलब एक रूलर की जगह पर जो काम करता है। तो हुआ ये कि सब भेजा उन्होंने। अब अगली मॉर्निंग तो क्या हुआ, पूरा मोतिहारी ब्लैक। अब ब्लैक क्यों भाई, तो भाई लिखने वाला अंग्रेज है इसलिए, क्योंकि अंग्रेजों के लिए सारे इंडियंस ब्लैक थे, तो पूरा मोतिहारी ब्लैक। अब एक्चुअल में उनको नहीं पता था कि गांधी जी जो हैं वो कौन है, क्या इनका पास रिकॉर्ड है। उन्हें तो बस इतना पता था कि महात्मा जी आए हैं हमारी समस्या दूर करने, खुद समस्या में आ गए हैं, तो चलो भैया समस्या दूर करो। तो अब चलो, तो सारे चलो, सारे पहुंच गए एक साथ। तो दैट वाज द रीजन। अब इतनी भीड़ देख करके जो ऑफिसर थे वो परेशान हो गए कि कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अब हुआ क्या, उन्होंने और गांधी जी, गांधी जी ने फिर उनको हेल्प किया। हेल्प तो किया, लेकिन उन्होंने ये बात उनको प्रूव कर दी थी कि उनकी जो ताकत है ना, जो अभी तक अनचैलेंज थी, अनक्वेश्चन थी, जिससे लोग डरते थे, अब उसको क्वेश्चन करने के लिए लोग आ गए हैं। तो अब इधर ये हुआ कि गांधी जी जो हैं वो तब सॉरी जो लॉयर्स थे वो लॉयर्स ने जज से, मजिस्ट्रेट से जाकर के, लोग डर गए और जो लोग थे वहां डर गए। उन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेट से जाकर के रिक्वेस्ट किया कि भाई पोस्टपोन कर दो, खिसका दो, नहीं तो पता चले ये हमें खिसका दे, पोस्टपोन कर दो। उन्होंने मामला पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे। और उस दिन गांधी जी भी फुल फॉर्म में। गांधी जी क्या बोलते हैं, दैट एक्चुअली मैं कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था। अब यहां पर हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी कौन से कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे। तो गांधी जी कहते हैं कि एक तरफ तो मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता था, एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था, दूसरा ये कि मैं यहाँ पर नेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करने के लिए आया था, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई सेवा करनी है तो कानून तोड़ना पड़ेगा, और कानून नहीं तोड़ेंगे तो सेवा नहीं होगी। तो फाइनली उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज, कॉन्शियंस की आवाज को सुना और कानून तोड़ा।
तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, अगर मैंने गलती की है, अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे सजा दे दो। अब जज ने क्या किया, भाई हम फैसला रिसेस यानी इंटरवल के बाद में सुनाएंगे और उन दो घंटों के लिए अगर आपको बाहर जाना है तो आप बेल फर्निश कर दो। गांधी जी ने मना कर दिया। बेचारा जज क्या करे, ठीक है भैया ऐसे ही चले जाओ। एज वी सेड गांधी जी उस दिन फुल फॉर्म में थे, तो गांधी जी ने मना कर दिया। जज ने फाइनली, क्योंकि अब इतने सारे लोग गांधी जी के सपोर्ट में, वो लोग इतने से क्या करते, तो जाने दिया। रिकन्वीन हुआ तो मजिस्ट्रेट ने फैसला कहा कि भाई वो फैसला बाद में सुनाएंगे और तब तक गांधी जी को उन्होंने फ्री कर दिया कि गांधी जी मस्त रहो। ओके, अब क्या हुआ, इधर से सब आ गए। कौन, राजेंद्र प्रसाद से जो कहा था, तो मौलाना मजरूल हक, ब्रजकिशोर बाबू ना, और राजेंद्र प्रसाद और ऐसे और जो प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स थे वो आए, गांधी जी से डिस्कस किया। गांधी जी ने पूछा अगर मुझे जेल हो गई तो आप क्या करोगे, तो कहते हैं सिंपल, ये आप जेल में तो हम घर पे, और क्या। अब गांधी जी कहते हैं कि भाई ये क्या बात, हम तो कर किसके लिए रहे, इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए हम कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने फिर क्या आपस में कंसल्ट किया और राजेंद्र प्रसाद ने फिर यहां पर लिखा है कि अपशॉट यानी कि उसका रिजल्ट जो निकला वो मैं बताया है कि वो लोग कहते हैं कि गांधी जी बाहर से आए हैं, स्ट्रेंजर है वहां पर, फिर भी वो इन लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है, और अगर हम ऐसे में इन लोगों को छोड़ दें जो यहीं आसपास के जिलों से बिलोंग करते हैं और इनके केसेस कोर्ट में लड़ते हैं, तो फिर ये बड़ी शेमफुल बात होगी। डिजर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डिजर्शन का मतलब होता है छोड़ना, अबैंडन करना, तो बड़ी शेमफुल बात होगी, मतलब ये सही नहीं है। वो गांधी जी के पास गए, कहते हैं कि हम आपको फॉलो करने के लिए तैयार है। तो गांधी जी ने भी कहा बस फिर क्या है भाई, हम साथ साथ तो बनेगी हर बात। बैटल ऑफ चंपारण इज वन। अब क्या हुआ, गांधी जी ने पेपर लिया, जोड़े बनाए, उनको बताया कि गिरफ्तारी कैसे देनी है, हाउ टू कोर्ट अरेस्ट यानी गिरफ्तारी कैसे देनी है। थोड़े दिन बाद इधर से लेटर आ गया, रिटन कम्युनिकेशन जो मजिस्ट्रेट की तरफ से। क्या था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने डिसाइड कर दिया था क्या कि गांधी जी के खिलाफ जो केस है उसे ड्रॉप करना है, और इस तरह से हमें सिविल डिसोबीडियंस की फर्स्ट विक्ट्री मिली। पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस में हमें ट्रायंफ मिली। और उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी और उनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, पूरा जो है वहाँ के लोग, उन लोगों से उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स पूछी, उनको लिखा, 10,000 डिपोजिशंस वर मेड, और पूरा एरिया जो है एक तरह से वहाँ पर एक लहर चल रही थी, उन जो पीजेंट्स और एक्टिविस्ट हैं उनकी एक्टिविटी से वो जोर शोर से, मतलब वहाँ पर एक लहर चल रही थी। जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने वेहमेंटली यानी कि स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट किया कि उनको तो लग रहा उनकी कुर्सी जा रही है, उन्होंने विरोध किया। अब इधर से जून में सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया, भाई गेट ने कहा गेट से आ जाओ, गांधी जी पहुंच गए। गांधी जी जाने से पहले अपने फ्रेंड से मिल करके उनसे कहा कि अगर मैं न आऊं तो फिर क्या, वही सिविल डिसोबीडियंस फॉलो करना है। गांधी जी गए, चार मीटिंग्स उनकी उनके साथ में हुई, और एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। जैसा होता है अभी कोई समस्या हो तो इंक्वायरी कमीशन बिठा दो, बिठा दिया। अंग्रेजों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे और इधर से सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन किसानों की तरफ से अकेले गांधी जी। ठीक है, अब गांधी जी बताते हैं कि वैसे तो वो कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन चंपारण में उनका साल भर लग गया, 7 months तो रेगुलर और उसके अलावा कई सारी विजिट्स। तो ये जो विजिट थी वो एक एंट्रीटी यानी कि शुक्ला की रिक्वेस्ट पर उन्होंने की थी और साल भर उनका वहां लगा। अब इधर से वही इंक्वायरी का रिजल्ट आया, रिजल्ट किसानों के सपोर्ट में, लैंडलॉर्ड्स ने अग्री हो गए कि ठीक है हम इनको रिफंड करेंगे, लेकिन कितना, गांधी जी से पूछा,
गांधी जी ने कहा, अब उनको क्या लगा कि गांधी जी कहेंगे कि जो जितना आपने फोर्सफुली बलपूर्वक एक्सटोर्ट किया है, छीना है, वो सारा दे दो। तो एक्सटोर्ट करना मतलब फोर्सफुली बलपूर्वक लेना, छीनना। तो गांधी जी ने उनसे क्या कहा, 50%। और 50% पर ऐसा लग रहा था गांधी जी एडमेंट यानी कि अड़ गए। अब जब उन्हें लगा कि गांधी जी हिलने वाले नहीं हैं, तो उनके जो लीडर थे प्लांटर यानी कि ये जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके जो लीडर हैं रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि भाई हम तो 25% दे सकते हैं। और गांधी जी ने क्या किया, उस 25% पे वो अग्री हो गए और उन्होंने कहा ठीक है भाई, ओके, उस पे उन्होंने मान लिया। अब ये क्या भाई 25%? तो यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, एक तो इससे पहले कि विच इंसिडेंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि कौन सा जो इंसिडेंट है वो मॉडर्न इंडिया में फर्स्ट विक्ट्री को पॉइंट करता है, किसकी, सिविल डिसोबीडियंस की। तो वो जो अभी हमने डिस्कस किया वो आपको बताना है। दूसरा यहाँ पर ये बनता है कि दैट व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू 25% रिफंड। तो 25% रिफंड के लिए गांधी जी क्यों अग्री हुए, तो ये दो बातें। अब गांधी जी कहते हैं कि भाई अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि पैसे के साथ साथ वो जो लैंडलॉर्ड से उनकी प्रेस्टीज भी जा रही, प्रतिष्ठा भी दांव पर लग रही है, यानी पहली बार वो हार रहे थे और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले वो अपने आप को लॉर्ड सब ऑफ द लॉ यानी कानून के भी ऊपर समझते थे कि भाई हम तो यहाँ के शहंशाह हैं। लेकिन गांधी जी ने उन लोगों को सिखाया कि भाई तुम्हारे पास भी राइट्स हैं, तुम्हारे पास भी डिफेंडर्स हैं, तुम भी जीत सकते हो। ये बात उन्होंने, गांधी जी ने उन लोगों को सिखाई और इससे लोगों में करेज, हिम्मत आई। अब क्या हुआ, गांधी जी का डिसीजन सही साबित हो गया। कैसे, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो चले गए, लैंड्स वापस इनके पास आ गई और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गायब हो गई। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे जो केवल पॉलिटिकल सॉल्यूशन से खुश हो जाएं। उन्होंने देखा कि वहां भाई पिछड़ापन था, सामाजिक पिछड़ापन था, सांस्कृतिक कल्चरल सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस वहां पर थी, तो वो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने लोगों से अपील किया, तो उनके जो शिष्य लोग थे, महादेव देसाई, नरहरी पारेख, जिन्होंने अभी अभी उनको ज्वाइन किया था, वाइफ्स और बच्चों के साथ आगे आए, बॉम्बे, पूना और भी कई जगह से लोग आए, और फिर आया देवदास, लेकिन आया विदाउट पारो। कहने का मतलब, देवदास उनका यंगेस्ट बेटा, चार में से सबसे छोटा, साथ में आई उनकी गांधी जी की वाइफ कस्तूरबाई, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने वहां पर प्राइमरी स्कूल्स खोले 6 विलेजेस में, और उन्होंने उन लोगों को सैनिटेशन, हाइजीन, क्लीनलीनेस वगैरह के बारे में सिखाया। और वहाँ हेल्थ कंडीशन भी बड़ी जोरदार थी। गांधी जी ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वही सेवाएं दो। वहां क्या था, बीमारी कोई भी हो, दवा 3, कि अगर किसी को स्किन इरप्शंस हो यानी स्किन प्रॉब्लम हो तो उसे दिया जाता था क्या, कैस्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया हो तो उसे दिया जाता था उसे दिया जाता था क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। और अगर किसी को ब्लीडिंग टंग हो, कॉटेड टंग से मतलब होता है ब्लीडिंग टंग, तो कॉटेड टंग वाली प्रॉब्लम हो तो उसे दिया जाता था कैस्टर ऑयल। और स्किन इरप्शंस में दिया जाता था, मैंने उसको रॉन्गली प्लेस कर दिया, स्किन इरप्शंस में दिया जाता था सल्फर ऑइंटमेंट। तो कहने का मतलब, कुछ भी हो, ये 3 चीजें वहां पर स्टॉक होती थी, इसी से इलाज होता था। महिलाओं की कंडीशन बड़ी खराब, फिल्दी मतलब डर्टी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथिंग। कस्तूरबाई से कहा जाओ बात करो, एक महिला अपनी झोपड़ी में ले गई, कहा कि ना तो शेल्फ है ना बॉक्सेस हैं, कहाँ रखे और क्या रखे, जो है वह साड़ी एक ही है, वही पहनी हुई है। तो ऐसी उनकी बुरी कंडीशन थी। वहां रहते रहते गांधी जी अपने आश्रम का पूरा ध्यान रखते थे, हिसाब किताब मांगते थे। एक बार गांधी जी ने आश्रम वालों को लेटर लिख करके कहा, वे अब टाइम आ गया है कि
जो ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस हैं उनको अब बंद करके नए खोद दिए जाए, नहीं तो ओल्ड वंस जो हैं वो बैडली स्मेल करने लगेंगे। अब ये क्या है भैया, क्या राइटर को कोई और एग्जाम्पल नहीं मिला ये देने के लिए? तो ऑफ कोर्स ये कोई गांधी जी की स्मेलिंग कैपेसिटी को बताने के लिए नहीं है कि वहीं से पता लग गया, ये किस लिए दिया हुआ है कि गांधी जी की नजरों से कोई छोटी सी बात भी बचती नहीं थी, उनके लिए कुछ भी छोटा नहीं था और इन्फीरियर नहीं था, उनके लिए सब समान रूप से इम्पोर्टेंट था और सब पर वो ध्यान देते थे। तो उस बात को बताने के लिए ये इंसिडेंट यहाँ पर कोट किया गया है। तो इस तरह से जो चंपारण एपिसोड है वो गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है दैट हाउ डिड द चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है और इसको प्रिपेयर करना है। तो गांधी जी कहते हैं, मैंने तो देखो भाई छोटा सा काम किया, मैंने अंग्रेजों से कहा कि मेरे देश में मुझी को ऑर्डर, ये चलने वाला नहीं है। तो गांधी जी बताते हैं कि मेरा जो एक्चुअल में जो चंपारण एपिसोड शुरू हुआ वो ऐसा नहीं कि मैंने जाते ही डिफाई या डिसोबे करना शुरू कर दिया, मैं तो किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए गया था। और गांधी जी का टिपिकल पैटर्न यही था। क्या था कि गांधी जी का जो पॉलिटिक्स है वो उन लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स में होती थी ना, और उनका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल नहीं था, मतलब बाकी नेताओं की तरह वो केवल बातों में घुमाते नहीं थे, वो ग्राउंड पर काम करते थे। सो दैट वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, है ना। हिज वाज नॉट द एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट, हिज लॉयल्टी वाज नॉट टू द एब्स्ट्रैक्शंस बट हिज लॉयल्टी वाज टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, मतलब वो केवल बातों के नेता नहीं थे, वो लोगों के प्रति अपनी वफादारी दिखाते थे और उसको पूरा करते थे। तो हमारे लिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और उसका आंसर ही अभी मैंने पोट किया था। अब यहाँ पर लास्ट में ये बताया गया है कैसे गांधी जी ने उनको आत्मनिर्भरता सिखाई, और इसमें दिया हुआ है हमें चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के बारे में, जो गांधी जी के पक्के भक्त थे, विदेशी थे, पैसिफिस्ट शांतिवादी थे। ऑफिशियल टूर पर उनको जाना था फिजी आइलैंड, जाने से पहले गांधी जी के पास आए भाई टाटा बाय बाय विदा लेने के लिए। राजेंद्र प्रसाद और बाकी जो लॉयर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई इनको अपनी तरफ शामिल कर लो, भाई अंग्रेज अंग्रेजों के खिलाफ अच्छा रहेगा। गांधी जी ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है एक अंग्रेज हमारे साथ आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भाई जो हमारा कोज है वो बिल्कुल सही है, जस्ट है, न्यायचित है, और हमें केवल अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए, हमें मिस्टर एंड्रयूज में एक सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं, इसके लिए हमें सहारा, उसे प्रॉप, प्रॉप मतलब सपोर्ट, सहारा उसकी जरूरत नहीं है। अब राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने हमारे मन की बात पढ़ ली थी। इस तरह से गांधी जी ने उनको क्या सिखाया, सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो हमें इसके साथ में जोड़ देना है हाउ, कैसे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आपको प्रिपेयर करना है। तो यही सारी चीजें हैं, और एक क्वेश्चन आपकी बुक में जो नीचे दिया हुआ है क्या, कि हाउ डिड गांधी जी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, इंस्टेंस ना देकर के सीधे हमें आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्टोरी के साथ में बताए हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है, इनको प्रिपेयर करना है, और इसी तरह से और मैं वीडियोज आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।